गाइस वेलकम टू माय चैनल मायर हाथेर रान्ना। तो आज हम बनाने वाले हैं मटन ग्रेवी। तो यहाँ पे हमने 1 किलो मटन ले लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर लेंगे। फिर 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। 3 बड़े टेबलस्पून हम इसमें मसाला ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद हम ये मटन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मटन मिक्स हो चुका है। अब इसको हम 1/2 आवर के लिए ढक के रखेंगे। अब उसके बाद हम आलू को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को हीट कर लेंगे। ऑयल हीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मटन ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए हम पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को हम हीट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल के प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कटे हुए टमाटर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। अब उसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे और
हाफ एन आवर तक हम इसको ढक के रखेंगे। हो चुका है, अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मटन 50% कुक हो चुका है और अब हम इसमें 3 ग्लास तक पानी डाल के इसको और हाफ एन आवर तक पका लेंगे। पानी थोड़ा सा कम हो गया था तो मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अब इसको हम हाफ एन आवर तक पका लेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम चेक कर लेंगे मटन को और उसके बाद और थोड़ी देर तक हम इसको पका लेंगे। तो अब मटन अच्छे से कुक हो चुका है तो इसमें हम फ्राइड आलू डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे दोबारा से। यहाँ पे मटन अच्छे से पक चुका है, अब इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, फिर हम इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। मटन जितना अच्छा पकेगा उतना ही अच्छा टेस्ट होगा और उतना ही स्मूथली हो जाएगा मटन। कुछ लोगों का थोड़ा सा टाइटली रहता है मटन, तो वहाँ पे हार्ड नहीं रहेगा। अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे से पकाओगे तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में भी ईजी होगा। यहाँ पे हमारा मटन ग्रेवी बनके एकदम रेडी हो चुका है। तो देखो कितना अच्छा जूसी टेस्टी लग रहा है। आप भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे ट्राई करना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।